हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल सीरियल न्यूज 12 में। एक बार फिर हम लेकर आ गए हैं नागिन 4 की सारी गॉसिप लेकर। आप सबको बता दें कि आने वाले एपिसोड में मान्यता और वृंदा करने वाली है एक डांस, यानी कि तांडव करने वाली है, वो भी महादेव के मंदिर में। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों का मिलन कब हुआ, तो चलिए दोस्तों हम आपको बता देते हैं। दरअसल पंडित जी से पता चला है पंडित जी से मान्यता को पता चला है कि कैसे सांप को कंट्रोल कर सकती है एक बहुत बड़ी शक्ति। और अब मान्यता को इस बात का पता चल चुका है कि सांपों को तो कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी नयनतारा ही कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि उसमें एक ऐसी पावर है जिसे सुनने के बाद में मान्यता के दिमाग की घंटी बजना शुरू हो जाती है और वो सोचने लगती है कि कहीं इन सब के पीछे नयनतारा का तो हाथ नहीं है, क्या वो उसकी बेटी को मारने की कोशिश तो नहीं कर रही है। इसीलिए मान्यता पीछा करते हुए नजर आने वाली है नयनतारा का। जहां दूसरी तरफ नयनतारा मैडम ने तो पहले से ही प्लान बना लिया है। उसने ये प्लान बनाया है कि कैसे वो वृंदा को जान से मार देगी। इसीलिए उसने एक बार फिर से बुला लिया है वृंदा को जंगल में, जहां वो उसे फिर से मारने की कोशिश करती है। लेकिन उसकी इस बार उसकी ये कोशिश हर पिछली बार की तरह नाकामयाब रह जाती है और इस बार तो नयनतारा रंगे हाथों भी पकड़ी जाती है, यानी कि मान्यता वहां पर आ जाती है। मान्यता के सामने दो अच्छी और बुरी खबर सामने आती है। एक तो ये कि उसकी बेटी जो नयनतारा, जिसे उसने बचपन से लेकर आज तक पाला है, वो उसकी इतनी बड़ी धोखेबाज निकलेगी, उसे इस बात का पता ही नहीं था। तो दूसरी तरफ वृंदा का सच जानने के बाद में वो काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वृंदा उसकी अपनी बेटी है। जिसके बाद कई सारे खुलासे हो जाएंगे, यानी कि वृंदा को भी पता चल जाएगा कि मान्यता उसकी माँ है। दरअसल मान्यता पूरा सच बता देगी, तो दूसरी तरफ इस बार वृंदा को भी ये सच पता चल जाएगा कि वो एक इच्छाधारी नागिन है और जिसके साथ वो रह रही है वो उसके असली माता पिता नहीं है। लेकिन वृंदा जब अपना सच जान जाएगी, उसके बाद में वो पारिक परिवार से अब बदला लेने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आएगी, क्योंकि मान्यता ने उसे बता दिया है कि कैसे उसके बाबा को मार दिया था पारिक परिवार वालों ने। तो दूसरी तरफ मान्यता ने फैसला लिया है कि वो अब नयनतारा से कोई भी रिश्ता नहीं रखेगी, क्योंकि नयनतारा ने जो गलतियां करी है उसे अब सुधारना ही होगा, और उसने बहुत बड़ी गलती करी है, इस गलती की उसे माफी नहीं मिलेगी। जिसे जानने के बाद में नयनतारा काफी दुखी हो जाती है और अब वो वृंदा और मान्यता के खिलाफ नई चालें चल सकती है। अब वो नई चालें क्या होगी और क्या होगा।